हेलो फ्रेंड्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इनको आपको याद कैसे रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली एक्सरसाइज है इंदिरा, ये इंडिया की होती है रसिया के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंदिरा को तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है INDI और RA, है ना। तो INDI मीन्स इंडिया, RA मीन्स रसिया, आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स ये होती है इंडिया की सिंगापुर के साथ, है ना, सिंगापुर के साथ होती है ये। तो देखिए, अगर सिम्बेक्स को हम इसका फुल फॉर्म बनाएं तो ये मिलता है, S से हमें सिंगापुर, I से हमें इंडिया, M से हमें मैरीटाइम, B से बाइलेटरल और EX से एक्सरसाइज। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया की किस कंट्री के साथ होती है, तो आप पहले वर्ड्स से ही इसको लगा सकते हो अंदाज कि हाँ, ये सिंगापुर ही इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है ये। अगर इसको हम फुल फॉर्म इसकी निकालेंगे तो ये होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आपको एक्सरसाइज रटने नहीं है, ठीक है, आपको इनको समझना है। चलिए तीसरी एक्सरसाइज स्लिनिक्स, तो ये होती है इंडिया की श्रीलंका के साथ, है ना। तो यहाँ पे SL मतलब श्रीलंका, I मतलब इंडिया, N मतलब नवल और EX मतलब एक्सरसाइज। इसको भी हमें फुल फॉर्म करना है इसका, इसको भी हमें रटना नहीं है, इसको हमें याद नहीं करना है, इसको बस हमें इसका मतलब समझना है कि जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है slinex, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर SL को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये श्रीलंका ही है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, ऑस इंडेक्स, है ना। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से होती है। तो ऑस मतलब, यहाँ पर ऑस का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया, IN का मतलब इंडिया और INDI का मतलब, है ना, और EX मतलब एक्सरसाइज। तो देखिए, अगर इस तरीके से आप एक्सरसाइज को देखोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये टॉपिक आपका तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो बस हमें इसका फुल फॉर्म निकालना है, इसका मतलब जैसे ही आप पेपर में देखोगे इसको ऑस को, तो यहाँ सीधा आप ऑस्ट्रेलिया मार्क कर दोगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जिमैक्स, सेम स्ट्रेटजी सेम तरीके से हमें याद रखना है। तो ये जापान के साथ होती है इंडिया की जिमैक्स, और यहाँ पर जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम और EX एक्सरसाइज, ठीक है। जो लास्ट में EX है ना, इसका मतलब एक्सरसाइज होता है, ये रख के चलो। और उससे पहले जो वर्ड होता है उसको देखो, उन सारे वर्ड्स को देखो, तो ये जापान इंडिया मैरीटाइम, ठीक है, इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। ये नेक्स्ट है विनबैक्स, ये होती है इंडिया की वियतनाम के साथ, ठीक है। तो वही सेम, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है, वियतनाम, वी से वियतनाम, IN से इंडिया, बी से बाइलेटरल, ए से आर्मी, एक्स से एक्सरसाइज, है ना। तो विनबैक्स, बस पेपर में अगर पूछा जाए कि बताइए ये इंडिया की किसके साथ होती है, तो आप पहला वर्ड देखोगे और तुरंत आंसर मार्क कर दोगे, वियतनाम, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये मैत्री, ये इंडिया की होती है थाईलैंड के साथ, मैत्री, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, देखो यहाँ पर मैत्री में AI और थाईलैंड में भी AI है, दिख रहा है आपको, थाईलैंड में AI ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये AI आपको याद रखना है, आप देखोगे AI, तो AI इज कॉमन इन मैत्री एंड थाईलैंड, तो आप थाईलैंड को मार्क कर दोगे। यहाँ पर भी आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसके वर्ड को देखना है AI को, है ना, और थाईलैंड में भी AI है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इक्वेरियन, है ना, ये होती है मालदीव के साथ होती है इंडिया की। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो मालदीव में VE है, VE, और ये इक्वेरियन में भी VE है, देख रहे हो आप, यहाँ पर भी सेम
हमें दो वर्ड मिल रहे हैं, तो वी ई इज कॉमन इन इक्वेरियन एंड मालदीव्स, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जैसे ही आपको वी ई दिखता है तुरंत आप मालदीव्स लगा दोगे इसको भी, ठीक है। तो ये देखिए दो वर्ड्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं इसमें। अभी मैं चाहता हूँ कि आप इनको रटे ना, सिर्फ इस तरह से ही आप इनको बस जान लें और पेपर में आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इस तरीके से इनको समझ लोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये दो एक्सरसाइज हैं, ये दोनों इंडिया की यूएस से होती है, यूनाइटेड स्टेट से होती है ये, ठीक है। एक है युद्ध अभ्यास और दूसरा है वज्र प्रहार, है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो युद्ध से हमने यू लिया यू, और वज्र प्रहार से हमें वी लिया वी, यू एंड वी, तुम और हम क्या हैं, यूनाइटेड हैं, तुम और हम एक हैं। अगर हिंदी में देखा जाए इसको तो हम कैसे बोलेंगे, तुम और हम एक हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू एंड वी आर यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यहाँ पे, वी मतलब हो गया वज्र प्रहार, यू हो गया युद्ध अभ्यास। तो बस आपको ये सेंटेंस याद रखना है, यू एंड वी आर यूनाइटेड, आप और हम सिर्फ यूनाइटेड हैं, एक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, यू एंड वी, यू एंड वी आर यूनाइटेड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजेय वॉरियर, अजेय वॉरियर ये होती है यूनाइटेड किंगडम्स, यानी कि यूके के साथ होती है इंडिया की। तो देखो यूके के वॉरियर, यूके, ठीक है, मैंने यूनाइटेड किंगडम को क्या लिख लिया, यूके। तो ये भी सेंटेंस आपको याद रखना है, यूके के जो वॉरियर होते हैं, यूके के जो वॉरियर होते हैं, दे आर अजेय, अजेय का मतलब होता है, ये हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है इनविंसिबल, जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, अनबीटेबल, अनबीटेबल, जिसको कभी हम हरा नहीं सकते, इनविंसिबल, है ना, अजेय। तो यूके के जो वॉरियर होते हैं, जो यूके के योद्धा होते हैं, योद्धा जो यूके के सिपाही होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अजेय होते हैं, उनको हम हरा नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है आपको, और आप देख भी सकते हो बहुत ही आसान तरीके से ये सेंटेंस आपको याद भी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वरुणा एंड शक्ति, ये दोनों एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती हैं, ठीक है। वरुणा एंड शक्ति, या इसको बोल दो वरुण एंड शक्ति, है ना, वरुणा एंड शक्ति। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो वरुण है और शक्ति है, ये लड़का है ये लड़की है, वरुण और शक्ति का फ्रांस में क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है, कहाँ चल रहा है, फ्रांस में। जो वरुण और शक्ति हैं उनका फ्रांस में चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो वरुण एंड शक्ति आर हैविंग अ रिलेशन इन फ्रांस, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि फ्रांस में क्यों, क्योंकि वहाँ पर आईफल टावर है, वहाँ पर वो एक लव सिंबल है ना। तो वरुण और शक्ति का क्या चल रहा है, फ्रांस में चक्कर चल रहा है, वरुण और शक्ति का। तो ये भी सेंटेंस आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो, इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है। और ये दोनों एक्सरसाइज आपको याद हो जाएंगी, वरुण और शक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोमाडिक एलिफेंट, ये जो एक्सरसाइज है ये होती है मंगोलिया के साथ, मंगोलिया के साथ, है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, नोमाडिक से हमने लिया मैड, मैड, एलिफेंट को हमने याद रख लिया, जो मैड एलिफेंट है, जो पागल हाथी है, उसको क्या करना है, उसको गोली मार, है ना, गोली मतलब, गोली मतलब मंगोलिया, यहाँ से मैंने गोली ले लिया। तो आपको इसको कैसे याद रखना है कि जो मैड एलिफेंट है उसको क्या कर, गोली मार, उसको गोली मार, है ना। तो मैड एलिफेंट को क्या करना है, गोली मार। तो आप देखोगे, जैसे ही आप पेपर में देखोगे यहाँ पर ये मैड दिख जाएगा आपको साफ साफ, ये एलिफेंट दिख जाएगा, आप तुरंत मंगोलिया पे मार्क कर दो, क्योंकि आपको ये सेंटेंस याद रहने वाला है, मैड एलिफेंट को गोली मार, है ना। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, और ये यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं जो इंडिया के साथ होती हैं अदर कंट्रीज की, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप अब आप जो मिलिट्री एक्सरसाइज उनको कभी नहीं भूलोगे, उनको याद रखोगे, उनको रटोगे नहीं, बस ट्रिक्स के साथ आपको उनको याद रखना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसको रिपीट मोड पर भी देख सकते हो आप। और अगर जीके के लिए आपको कुछ पढ़ना है तो आप gkmojo.com को विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।